चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है इफ और ये पूरा दिया हुआ है 1/27 लाना है। प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे यहाँ तक क्वेश्चन है और प्रूव करना है हमें m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो बच्चा मुझे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो क्या है यहाँ पे, मुझे वो समझना है। यहाँ पे बच्चा हमें ये समझना है, पहले ये बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। a रेज टू माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n हो जाएगा। जब भी माइनस पावर होगी तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अब दूसरा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2n प्लस 1, ऐसे पावर दिए है 2 रेज टू 2n माइनस 1, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2n इनटू और यहाँ पे 2 की पावर 1। ये हमने क्या किया, तो पावर जैसे बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा, जब पावर ऐसे दी हुई है तो हमने क्या किया दोनों को स्प्लिट कर दिया, वैसे भी हम लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट ये जो पहले भी मैंने समझाया था, जैसे x माइनस वाई है, अब समझना मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y माइनस x चाहिए, साइन चेंज करनी है। तो माइनस वन कॉमन निकालोगे तो काम हो जाएगा, माइनस वन से जैसे आप लिखते हो बच्चा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y प्लस x, तो ये हो जाएगा x माइनस y। अल्टीमेटली मुझे माइनस वन कॉमन निकालना है, वो वाला लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। 1, 2, 3 कंसेप्ट तो परफेक्ट क्लियर होगा तो ये सम इजी है, ये नहीं क्लियर है तो बहुत टफ है। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो समझो। तो यहाँ पे 9 रेज टू n है, यहाँ पे सब में देखो ध्यान से, तो सब में पावर तो बेस पावर तो 3 है, खाली यहाँ पे 2 दिया हुआ है, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये n जो है एज इट इज हमने लिख दिया, यहाँ पे 3 की पावर 2 ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पावर जैसे होगा तो हम पावर होगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2, ये तो समझ में आ गया। ये बीच में जो है वो माइनस है, ध्यान में रखना ये माइनस, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो समझना है। यहाँ पे हमने सिंपल लिखा 3 रेज टू 3n लिखा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई जैसे था वैसे ही रखा, तो यहाँ पे बच्चा लिखेंगे 3m रेज टू इंटू 2 रेज टू 3 और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 3 रेज टू 3। क्लियर। अब सिंप्लीफाई और करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है वो 2 एंड 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना कट करने के बाद पहले लिखते हैं 3 रेज टू 2n 3 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे 3 लिखना रह गया है वो ध्यान रखना, 3 जो था वो तो हमने लिखा ही नहीं, तो 3 लिखा। और यहाँ पे समझना ये माइनस इनटू माइनस, तो ये कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये n आ जाएगा, ये मेन पॉइंट। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 3 रेज टू 3n और यहाँ पे तो जो था एज इट इज हमें लिखना है, खाली ध्यान रखना यहाँ m है तो हमें m लिखना है, गलती से n मत लिख देना, यहाँ पे m है ना, वही चीज हमने कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू 3। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, अब ध्यान से समझना हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल वे में ये देखो, तीनों के पावर बेस सेम है और दूसरा तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है 3 के बीच में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 रेज टू 2n प्लस 2 प्लस n और यहाँ माइनस की साइन 3 रेज टू 3n और यहाँ पे 3 रेज टू कितना लिखना है 3m इंटू 2 रेज टू 3 और यहाँ पे 1 अपॉन 3 रेज टू 3। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हम 2 प्लस 2n प्लस n जो हो जाएगा 3 रेज टू 3n प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3n और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो एज इट इज जो है वही कंटिन्यूएशन में करते जाना है। तो ये हो गया और यहाँ पे भी लिख दिया जो था वैसा ही। अब ध्यान से समझो, यहाँ मुझे जो मेन पॉइंट करवाना है वो मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है। ये स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू 3n बीच में इंटू आ गया और 3 की पावर 2 और -3n यहाँ पे -3 रेज टू 3n और यहाँ पे 3 रेज टू 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू 3। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, हमने खाली बाइफर्केट किया वो मेन पॉइंट है। अब यहाँ से अब दूसरा स्टेप जो ध्यान में रखना है वो ये कॉमन निकाल सकते हैं हम,
तो हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 raise to 3n, यहाँ पे बचेगा 3 square और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो -1, क्योंकि सब कुछ कॉमन में निकल गया है, और यहाँ पे बचेगा 3 raise to 3m into, और यहाँ पे हम बोल देंगे कितना है 2 की पावर 3। अब बच्चा मुझे यहाँ पे थोड़ा समझ में आप देख के ही आ रहा है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 8 होगा और 2 की पावर 8 है तो यहाँ पे 8 ही लिखते हैं, तो आगे जाके हमें थोड़ा इजी हो जाए, और यहाँ पे तो एज इट इज जो चल रहा है वो, यहाँ पे 3 raise to 3n, यहाँ पे 3 raise to 3m और यहाँ पे 9 minus 1 तो हो जाएगा कितना बच्चा, तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे भी 8 8 8 कट हो जाएगा, तो 1/3 raise to 3। अब ध्यान से देखो तो सब 3 3 and 3 में आ गया है, तो अब कैसे करना है आप देखो, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 3 raise to 3n minus 3m, ये जो डिनोमिनेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में गया, और पावर सेम है तो सीधा हमने पावर में माइनस करके लिखा, सेम चीज यहाँ पे लिखा 3 raise to -3। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, यहाँ पे बेस सेम है तो हम पावर इक्वल कर सकते हैं, तो 3n minus 3m इज इक्वल टू -3। यहाँ तक क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाल दिया, 3 कॉमन निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, n-m इज इक्वल टू -3, 3 3 कट हो जाएगा तो कितना लिख सकते हैं, n-m इज इक्वल टू -1 आएगा। तो बच्चा मुझे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पूछा, हमने क्या ढूंढा, n-m इज इक्वल टू -1, और हमें पूछा गया है कि m-n कितना 1 होगा, वैसे प्रूव करना है। तो बच्चा बहुत सिंपल है, हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, यही पॉइंट जो लास्ट में हमने बोला था, हमें -1 कॉमन निकालना पड़ेगा, -1 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m-n और यहाँ पे -1, ये m-n, ये -1/-1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टेप बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, एम एन बहुत छोटे छोटे स्टेप है जहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, तो थोड़ा फोकस से काम करो तो हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।